सलाम सर। सलाम, क्या हाल है सर? बढ़िया सर। हेलो गाइस, तो यहाँ मैं पहुँच गया हूँ करतारपुर कॉरिडोर। यहाँ मेरे पीछे है करतारपुर कॉरिडोर। ठंड बहुत ज़्यादा है और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं अंदर जाने के लिए। अंदर जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम यहाँ से निकलेंगे और वहाँ जाके हम पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का भी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ राजन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इट्स आरजे टेकी। तो ये है दोस्तों श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर। यहाँ से ये तो बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह दिख रहा है। यहाँ से निकल के यात्री जो हैं आगे श्री गुरु करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की तरफ निकलते हैं। काफ़ी सिक्योरिटी है यहाँ पर इंडियन आर्मी की। पीछे पार्किंग भी अवेलेबल है। तो वाहेगुरु जी का नाम लेके मैं यहाँ से अपनी जर्नी जो है स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको पूरा यहाँ का ट्रिप का पूरा अपडेट मैं इस वीडियो के माध्यम में देने वाला हूँ। तो अगर आप घर से खाना खा के नहीं आए तो यहाँ पर कुछ चाय और स्नैक्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर डिपार्चर्स हैं जहाँ की आपका ईटी और पासपोर्ट चेक होगा। तो गाइस, सिक्योरिटी चेक मैंने करवा लिया है। काफ़ी स्मूथ सिक्योरिटी चेक था। कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। आपको अपना बैग और जो भी आप बैग लाए उसको स्कैन करना है और इंडियन आर्मी जो है यहाँ पर वो आपका बैग स्कैन करेगी। आपका फ़ोन और सब पर्स आप बैग में डाल के स्कैन करिए और आगे है इमिग्रेशन। तो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पासपोर्ट पे जो है स्टैंप नहीं लगेगी। आपको आपका जो ETF फॉर्म है उस पर आपको एक स्टैंप लगा दी जाएगी बाय इमिग्रेशन। और मैं अभी निकल रहा हूँ टुवार्ड इमिग्रेशन और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है वहाँ पर। तो कॉरिडोर जो है वो काफ़ी बढ़िया बनाया है। बहुत से मैनी थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट जिन्होंने ये कॉरिडोर बनाया। बहुत ही बढ़िया कॉरिडोर बनाया है इन्होंने। जस्ट लाइक अ एयरपोर्ट, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये एयरपोर्ट की तरह दिखता है। तो काफ़ी सारे काउंटर्स हैं इमिग्रेशन के यहाँ पर। आप यहाँ देख सकते हो बहुत से काउंटर्स हैं यहाँ पर। आई थिंक 30 to 40 यहाँ पर इमिग्रेशन काउंटर्स है यहाँ पर, कि ज़्यादा भीड़ ना हो। अगर ज़्यादा यात्री आ रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा भीड़ ना हो। तो काफ़ी यहाँ पर इमिग्रेशन काउंटर है उनके लिए स्मूथ प्रोसेस करने के लिए और जल्दी प्रोसेस करने के लिए। तो गाइस, अंदर जाने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है पासपोर्ट और दूसरा है ETF फॉर्म, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रैवल के चार दिन पहले आपको एक मैसेज आएगा जिसमें कि एक लिंक होगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो अपना ETF फॉर्म, जहाँ पर कि आपकी डेट ऑफ जर्नी और रजिस्ट्रेशन कंफर्म लिखा होगा और उसको आपको प्रिंट करके ये दो चीज़ें यहाँ पर इमिग्रेशन में दिखानी है। यही दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई भी चीज़ और कोई भी थिंग्स रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि आधार कार्ड और ये सब कुछ किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ETF फॉर्म और अपना पासपोर्ट लेके जाना है और पैसे लेके जाने हैं जो कि आपको वहाँ पर पाकिस्तान में देने हैं $20। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है यहाँ का, नॉट लाइक एयरपोर्ट जैसा प्रोसेस नहीं है। काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको सिक्योरिटी चेक करवाना है, अपना बैग चेक करवाना है, उसके बाद आप इमिग्रेशन में आओगे। इमिग्रेशन में कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछते आपको कुछ भी तरह, और किसी भी तरह का स्टैंप जो है आपके पासपोर्ट पर नहीं लगने वाला। आपका जो ETF फॉर्म रहेगा उस पर जो है इमिग्रेशन वाले स्टैंप लगाएंगे। और उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा
येलो कलर का एक फॉर्म होगा, येलो कलर का, जिसमें कि आपको डिक्लेरेशन देना है कि आप कितने बैग कैरी कर रहे हो अपने साथ और कितने पैसेंजर्स हैं आपके साथ, और वो सब डिक्लेयर करके आप अपने सिग्नेचर देंगे, और यहाँ पर कस्टम वाले जो हैं अपने सिग्नेचर यहाँ पर देंगे, और यहाँ पर आपको पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। तो भाई यहाँ से आपको बैटरी व्हीकल्स, जो इको फ्रेंडली व्हीकल्स जो हैं मिलेंगे, जिसमें कि बैठ के आप जाएंगे आगे टिल दी जीरो लाइन, और वहाँ से आगे पाकिस्तान जो है स्टार्ट होता है। पाकिस्तान से 2 किलोमीटर। तो यहाँ से दोस्तों हम बैटरी व्हीकल्स में बैठ गए हैं, और यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है टिल दी जीरो लाइन, वहाँ जाके हम पाकिस्तान में एंटर करेंगे। यहाँ पर ETA और आपका जो पासपोर्ट है वो चेक कर रही है इंडियन आर्मी, और आपका डिक्लेरेशन फॉर्म भी वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पीछे है मेरे पाकिस्तान, और वहाँ से जर्नी जो है हमारी स्टार्ट होगी। वहाँ से 2 किलोमीटर है ऑलमोस्ट श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, मैं ज़ीरो लाइन पे खड़ा हूँ, और यहाँ से अभी मैं अपनी जर्नी जो है पाकिस्तान की तरफ स्टार्ट कर रहा हूँ। बीच में खड़ा हूँ, यहाँ पर जीरो लाइन है, यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के रेंजर्स खड़े हैं। सलाम सर। बढ़िया सर। तो यहाँ से दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से गाड़ी है, यहाँ पर बैठ के हमें आगे की जर्नी स्टार्ट करनी है टुवर्ड गुरुद्वारा।